पाकिस्तान में एक वायरस तेजी से फैल रहा है जिसे आंखों का वायरस भी कहा जाता है। मेडिकल साइंस में इसे कंजक्टिवाइट्स वायरस कहते हैं। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है जैसे पेंकाई। यह वायरस एलर्जिक और बैक्टीरियल है और इसके केस पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं। यह कोरोना की तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंटर होती है। यह बीमारी एडिनो वायरस की वजह से होती है। यह वायरस आंख की सफेद जगह जिसे कॉन्जेंक्टिवो कहते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन फैलाती है जिससे आंख लाल या पिंक हो जाती है। आंखों से पानी और डिस्चार्ज निकलना, जलन होना, मुसलसल दर्द होना, चुभन होना, लाइट बर्दाश्त ना होना, आंख का सूजना और बार बार आंखों को रगड़ने का दिल करना, ये सब इस वायरस की अलामत हैं। और इन्फेक्टेड आंख इस इंसान को ऐसी लगती है कि जैसे यह उसकी बॉडी का हिस्सा ही ना हो। अगर इसमें से कोई अलामत आपकी आंख में पेश आ रही है तो एक अच्छा लब्रिकेंट आई ड्रॉप या डॉक्टर से रुजू करें। बहुत से लोगों को लगता है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में देखने से ये इन्फेक्शन हो जाता है, बट असल में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी आई इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और भी बहुत सी वजहें हैं जैसे आंखों में कचरा जाना, गंदे हाथों से आंखों को रगड़ना, माहौल का साफ ना होना और आलूदगी वगैरह शामिल है। एक कपड़े में बर्फ डालकर आंख पर आहिस्ता आहिस्ता लगाने से कुछ देर के लिए राहत मिल सकती है। अगर यह आई फ्लू आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे यह और दर्दनाक होता जाएगा। और अगर यह आंख में बुरी तरह फैलकर आंख के कॉर्निया तक पहुंच गया तो नजर धुंधली हो जाएगी और वक्त रहते इलाज ना किया जाए तो यह आंख परमानेंटली धुंधली हो सकती है। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज्यादातर अहम होता है कि आप अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस करें, जैसे कि हाथों को धोना, आंखों को छूने से परहेज करना और बाहर निकलते वक्त ग्लासेस पहनना। हेलो गाइस, सो इट्स मी निमिष। गाइस, आपने ये पिछली वीडियो देखी ना, जिस तरह इस वीडियो में बताया गया है सारे उस आई इन्फेक्शंस का जो आजकल जिसके केसेस पाकिस्तान में आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और गाइस, मुझे भी ये हल्का हल्का सा हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं, अभी होना शुरू हो गया है, जिसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है कंजक्टिव आइट्स भी कहा जाता है और पिंक आई भी कहा जाता है, और हम आम जुबान में आंखों का वायरस भी बोल सकते हैं। गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे कैसे हुआ, क्योंकि गाइस हमारे स्कूल में सबसे पहले एक लड़के को हुआ। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी इसके बारे में मालूमात नहीं थी कि ये क्या है। वो ग्लासेस लगा के, हमने बोला ऐसे ही लगा के आया होगा। मेरा जो क्लास फ्रेंड है वो मेरे साथ बैठता है, और कुछ दिनों बाद उसको भी हो गया, उसने भी ग्लासेस लगाए। मैंने उसे पूछा यार ये क्या हो रहा, तो उसने मुझे बताया कि यार ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो इससे जो है ना अपनी सेफ्टी करो। वो तो ग्लासेस लगा के आया, वो मेरे बैठता भी मेरे साथ, तब मुझे तो इतना पता नहीं था उसके साथ मतलब फिज़िकल तौर पर हम किसी के साथ हाथ मिलाएं या फिर गंदे हाथों से आँखों को मसलना जैसे इस वीडियो में बताया गया है, वो सारे असरात जो जिनसे हमारी आए पर हमारी आँख पर कुछ असरात पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँख खराब हो सकती है। गाइज, मैं उसके साथ ही बैठता था, तो हो सकता है मुझे इसी वजह से हुआ है। और ये देखो गाइज, नज़र आ रहा है ना आपको, गाइज ये देखो, ए है ना, आँख थोड़ी थोड़ी सी लाल हो रही है, लेकिन भाई हम इसको करवाते हैं सही। लेकिन अगर आपकी फैमिली में से किसी को हो रहा है, आपके किसी भी फ्रेंड को, आपके किसी भी रिश्तेदार को, आप में किसी भी फैमिली में से अगर किसी को हो रहा है, तो गाइस प्लीज़ उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाओ। और मेरा कोई प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का, सडनली मैंने ये वीडियो बनाई जब मैंने सुना कि भाई पाकिस्तान में एक वायरस आ रहा है। तो गाइस, जैसे जैसे आपको उस वीडियो में बताया गया क्या क्या करना है, तो वो वीडियो पर पूरा अमल करो और भाई जाओ जल्दी से अपने इलाज करो। अगर इलाज नहीं कराया तो परमानेंटली आपकी जो है आँख उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, किसी भी चीज़ का वो धुंधली हो सकती है, ब्लर हो सकती है, कुछ भी वो उस पर जो है इफेक्ट पड़ सकता है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप में से किसी को भी है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से रब्ता करो, उसको सही करवाओ। और गाइस, अगर आपकी आँख खराब हो रही है तो गाइस प्लीज़ इसका जो है सेफ्टी करो, इसका इलाज वगैरह करवाओ किसी भी डॉक्टर से पूछ के। और भाई मेरे तो ये अभी होना शुरू हुआ है, शुरू शुरू में तो जब ये वायरस आया तो मैं तो बहुत खुदा का शुक्र अदा करता था कि भाई थैंक यू सो मच, थैंक गॉड के मुझे नहीं हुआ ये अभी तक। लेकिन यार ये रात को एकदम सोते सोते एकदम हो गया, मैंने सुबह उठ के देखा तो मैं इतना हैरान परेशान, यार ये क्या हो गया। लेकिन ये इस आई में देखो और इस आई में देखो, कंपेरिजन करो कौन सी सही है। गाइस ये वाली थोड़ी सही है और इसमें थोड़ा सा मसला है अभी, इसको ज़्यादा टच भी नहीं करना चाहिए। वैसे यार पेन तो बहुत हो रही है,
लेकिन व्लॉग भी बनाना था, व्लॉग मैंने आपके लिए बनाया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो उनको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो जो आपने चीज़ें वीडियो में से देख के सीखी हैं, प्लीज़ उन पर अमल करना। और बाहर जाते हुए ग्लासेस लगाना, किसी भी आपकी फैमिली में से किसी को भी है तो भाई उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ और व्लॉग देखते रहना। और गाइस, एक और बात, आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ भी, तो व्लॉग्स सारे देखना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।